नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल सोनी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है कि कैमरा रॉ फिल्टर जो है, कैमरा रॉ फिल्टर के थ्रू कैसे परफेक्टली वाइट बैलेंस किया जाए फोटो पे। जी हां, सो वाइट बैलेंस क्या होता है ये आपको मैंने प्रीवियस एपिसोड में ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही बताया था। तो पहले समझते हैं कि वाइट बैलेंस करने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, क्योंकि कैमरा रॉ तो अभी अभी आया, लेकिन यहाँ बहुत सारे हमारे ऐसे फोटोग्राफर्स भाई हैं जो अभी तक 7.0 के ऊपर भी नहीं आ पाए, क्योंकि होता है इस पे कुछ लोग नहीं करते हैं अपने आप को अपडेट। बट अगर आपको 7.0 में भी यदि आप हैं तो आपको एक मालूम होना चाहिए कि वाइट बैलेंस का तरीका क्या है। तो पहले हम वाइट बैलेंस के तरीके को जानें, उसके बाद ही आप जो है प्रॉपरली वाइट बैलेंस कैमरा रॉ के थ्रू भी कर पाएंगे। तो पहले आप देखिए कि वाइट बैलेंस का रूल क्या है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिजिटल इमेज तीन पॉइंट से मिलके बनता है, ब्लैक पॉइंट है, वाइट पॉइंट है और ग्रे पॉइंट है, जिसमें से ब्लैक और वाइट पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। ये दोनों मिलके ही किसी भी फोटोग्राफ्स में एक्सपोजर बनाते हैं। और ये जो आपको यहाँ पे ग्रे, ब्लैक और वाइट दिख रहा है, ये एक्चुअल में जो है ये लाइट का ल्यूमिनेंस है। कि लाइट जब आप कोई भी लाइट, जैसे हर एक लाइट का एक रेंज होता है, जैसे मैं एक छोटे से टॉर्च की बात करूँ, एक दो बैटरी वाला जो टॉर्च आता है छोटा, वो टॉर्च यदि आप एक रात के अंधेरे में मैदान पे यदि वो टॉर्च आप क्लिक करेंगे तो उसकी आधा किलोमीटर या आपका 200 मीटर या 300 मीटर या ज़्यादा से ज़्यादा किसी किसी टॉर्च का 1 किलोमीटर या उससे और भी हाई आते होंगे तो उसकी वो रेंज होती है। लेकिन उसके आगे वो जो है उस पर उतने दूर तक कवर नहीं कर पाती है वो लाइट। तो इसी तरह जो है जब हमको सूर्य की रोशनी जो आती है तो वो पूरी वाइट ये जो रोशनी आती है, धीरे 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 जब इसकी इंटेंसिटी ख़त्म हो जाती है तो लास्ट में ब्लैक पॉइंट बचता है। तो यहाँ से जो पॉइंट स्टार्ट होता है वाइट से, ये ख़त्म होता है ब्लैक के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा जो डिजिटल कैमरा, आपने सभी ने देखा होगा कि डिजिटल कैमरे में कोई भी डिजिटल कैमरा उठा ले, चाहे वो स्टील का हो चाहे वो वीडियो पे हो, कोई भी ऐसा आप दुनिया का कोई भी कैमरा मुझे आप खुद आप बता दीजिए, आप निकॉन यूज़र हैं, आप कैनन यूज़र हैं, आप फूजी हैं, आप सोनी के यूज़र हैं, आप ओलंपस के यूज़र हैं, और भी तरह तरीके के कैमरे आप अभी मार्केट से खरीद रहे हैं, कोई भी कैमरा मार्केट में ऐसा बता दीजिए जो RGB के अलावा कोई और प्रोफाइल बनाता हो। या तो कैमरे में sRGB बनता है या Adobe RGB बनता है। S लगा दिया या Adobe लगा दिया वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि सारे कैमरे RGB बनाते हैं। RGB क्यों बनाते हैं? RGB में तीन कलर्स हैं, RGB। तो अगर आप थोड़ा इसमें, मैं जब मेरे और भी एडिशनल जो, अगर आप जो है मेरे मास्टर क्लास में कभी आए तो मैं डिटेल पे आपको वो बता पाऊंगा कि वो RGB कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि ये जो लाइट की तीन इंटेंसिटी है, ये है आपका वाइट पॉइंट जिसको हम हाईलाइट भी बोलते हैं, ये ग्रे पॉइंट और इसको हम मिड टोन कहते हैं, और ये है ब्लैक पॉइंट, ब्लैक पॉइंट को हम शेडो भी कहते हैं, ओके। तो यही जो तीनों चीज है, ये आपका फर्स्ट जो है वाइट, ये है आर रेड, ये आपका ग्रीन और ये है आपका ब्लू। इसलिए देखिए सन 2000 के बाद जितनी भी फिल्में आ रही है एनिमेशन की, जैसे अभी रिसेंटली जो सबसे बड़ी फिल्म इंडिया में जो थी बाहुबली, बाहुबली का यदि आप बिहाइंड द सीन देखेंगे मेकिंग, तो उसमें जो है ग्रीन पर्दा ही क्यों इस्तेमाल होता है, बिकॉज ग्रीन बिलोंग करता है ग्रे पॉइंट को, ओके। इसीलिए ग्रीन को मिड टोन बोलते हैं, मिड टोन का मतलब होता है उसमें ब्लैक का भी समावेश है और वाइट का भी, इसलिए ग्रीन का क्रोमा कट करना ज़्यादा बेटर है ब्लू क्रोमा से। तो जब तक कि टेक्नोलॉजी क्लियर नहीं थी लोगों की तो वहाँ पे ब्लू क्रोमा लगाते थे, बट अब जो है ज़्यादा करके वो ग्रीन क्रोमा का ही यूज़ हो रहा है, ओके, ठीक है। ये तो हुआ अपना लंबी बात हो गई, हम ज़्यादा लंबा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो देखिए ये तीन चीज़ें हैं, ये आपके इनके ऊपर मैं लगाऊँ, यहाँ जो है एक्चुअली मैंने प्योर ब्लैक नहीं लिया है, ये लगभग 90% ब्लैक है, और यहाँ पे मैंने प्योर
वाइट नहीं लिया है, ये भी लगभग 90% जो है आपका वाइट है। तो इनके ऊपर मैं कोई भी कलर यदि ऐड करूं तो देखिए इनके ऊपर एक कलर का कास्ट यहाँ पे आ गया। ओके, अब हमको सीखना है कि ये कलर को हम न्यूट्रल कैसे करें, कलर को न्यूट्रल करना। तो न्यूट्रल करना ही आपका वाइट बैलेंसिंग कहलाता है। वाइट बैलेंस को लेके काफी लोगों का मिसकंसेप्शन है, इतना मिसकंसेप्शन है कि कई फोटोग्राफर्स जो हैं वाइट कलर का पेपर लेके वीडियो कैमरा मैच करते रहते हैं। वो सिर्फ हाईलाइट मैच करना होता है, वाइट बैलेंस नहीं होता। वाइट बैलेंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है, जब आप लेवल पे आओ तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं, ये तीन पॉइंट चलाने का एक तरीका होता है। पहला तरीका है आपका ऑलवेज यूज होगा ब्लैक पॉइंट। देखिएगा जब मैं यहाँ पे ब्लैक पे आके इस डार्क वाले एरिया पे क्लिक करूं ब्लैक पॉइंट पे, तो ये पूरा ब्लैक बन गया। लेकिन अभी यहाँ पे दोनों कलर अलग अलग हैं अभी। और इसी तरह मैं जब वाइट पे आके वाइट पे क्लिक करता हूँ तो वाइट प्योर वाइट बन गया, और जब ब्लैक का यूज किया था तो ब्लैक बन गया। तो पहला ऑलवेज आपको ब्लैक चलाना है, फिर वाइट चलाना है, और लास्ट में आपको यहाँ पे आना है ग्रे पे, ग्रे कलर। देखिए जब तीनों का मैंने क्रम दिखाया तो जो चीज मेरा ऑलरेडी पहले था वही टोन वापस रिकवर हो गया। ये आपका प्योर ब्लैक हो गया, ये आपका प्योर वाइट हो गया, ये प्योर ग्रे हो गया। यही अवस्था जब आती है किसी भी फोटोज में तो ये टेक्निकली रूप में बिहाइंड द सीन हम बोले, ये एक्चुअल प्रोसेस होता है। तभी आपका कैमरे से जो सॉरी तभी आपका फोटो से जो है सारा कलर एक ही बार में वन क्लिक पे चला जाता है। इसलिए जो मैंने आपको अभी यहाँ दिखाया कि सिंगल क्लिक पे देखिए ग्रे कलर आ गया, उस पर पहले क्या था, इसमें रेड थोड़ा ब्लू टोन था। ओके, अब ये सिंगल क्लिक पे जो है यहाँ पे ग्रे आ गया। तो इसी तरह ग्रे कार्ड में जो फोटोग्राफर ग्रे कार्ड यूज करते हैं तो ग्रे कार्ड में भी सेम यही फार्मूला होता है। जब वो ग्रे कार्ड रख के फोटो क्लिक करते हैं तो जो भी एडिशनल कलर है उस ग्रे के ऊपर आ जाता है, और वो उनका कैमरे के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसा ये एडोब अभी काम कर रहा है उसी तरीके का एक सॉफ्टवेयर कैमरे के अंदर होता है। वहाँ से वो ऑटो वाइट बैलेंस वहाँ से आप वो प्री वाइट बैलेंस या कस्टम वाइट बैलेंस में काम कर लेता है। ठीक है, तो आइए ये जो तीन चीज है ये ही आपका इम्पोर्टेंट है वाइट बैलेंस करने। इसका फिर से आप एक बार तरीका जो है वो नोट करें कि ऑलवेज जब कभी भी आप वाइट बैलेंसिंग चाहे आप लेवल से करें चाहे जो भी एडिशनल टेक्नोलॉजी आ जाए, जैसे अभी जो है वाइट बैलेंस का डायरेक्ट टूल आ गया है, लाइट रूम पे भी है और कैमरा रॉ फिल्टर पे भी है, तो सबके अलग अलग यूज है। लेकिन उसका मेन जो बेस है फाउंडेशन वो यही है कि पहले ऑलवेज ब्लैक, फिर वाइट और फिर ग्रे। ओके, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको काफी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं मेन हमारे फोटो के ऊपर, ये हमारा फोटो है। तो देखिए फोटो पे वाइट बैलेंस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप चाहे कितना भी लाइट यूज कर लें, काफी अच्छा फ्लैश खरीद लें, आप चाहे सॉफ्ट बॉक्स लगा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है कि दीवारों का कलर क्या है, ऊपर जो लाइट बाउंस होकर आ रही है उसमें क्या है, साइड में पर्दे कौन से कलर के लगे हैं, ये सब जो है हमारे फोटोग्राफ्स को डिस्टर्ब करते हैं जब आप स्पीड लाइट फायर करते हैं। तो इस पे भी देखिए फोटोग्राफ्स तो अच्छी है लेकिन इस पे जो है एक वो बाउंस का जो इफेक्ट जो आप सॉफ्ट बॉक्स लगाते हैं उस सॉफ्ट जो टोन है उसके अंदर आपको कलर का थोड़ा सा इसमें रेडनेस का प्रॉब्लम, इसका वाइट बैलेंस मींस ओके नहीं है। ओके, यहाँ मैं एक आपको चीज दिखा रहा हूँ, कभी भी आपको यदि देखना हो तो जब कभी भी वाइट बैलेंस आपको करना हो तो तीन चीज तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। पहला नियम वन, ब्लैक पॉइंट को पहले क्लिक करेंगे, नियम टू वाइट पॉइंट को क्लिक करेंगे, नियम थ्री आप ग्रे पॉइंट को, ग्रे मीन्स मिड टोन वाले पॉइंट को, जो ज्यादा डार्क ना दिखे और ज्यादा लाइट ना दिखे उसको हम बोलते हैं मिड टोन। ओके, तो यहाँ भगवान ने सबसे बढ़िया हमारे लिए व्यवस्था दी है, आपको कभी भी किसी फोटो पे देखना है तो ये तीनों पॉइंट आपको आंखों में मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप आ जाइए कैमरा रॉ फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर पे आने के बाद आप आंखों को पूरा जूम कीजिए। आंखों को आप जब जूम करते हैं तो देखिए मैंने ये जूम किया, जूम करने के बाद आपको देखिए सबसे पहले ये आंखों का जो लेंस है, लेंस के जो बीचों बीच है यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के पिक्सल्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर के पिक्सल दिख रहे हैं और इस जगह पे आपको ग्रे कलर का पिक्सल दिख रहा है। तो हमारा काम तो ऑलरेडी यहाँ पे आसान हो गया। अब चलाना कैसा है आपको, आपको लेना है यहाँ से, देखिए यहाँ जिस तरह से हमारा फोटोशॉप में टूल बार होता है वैसे ही कैमरा रॉ फिल्टर का यहाँ पे टूल बार है जो अलग अलग काम के लिए बनाया गया है, जिसमें से तीसरे नंबर का जो
टूल बार है, देखिए जैसे ही मैं माउस लेके गया यहाँ पे दिख रहा है व्हाइट बैलेंस। ओके, इस व्हाइट बैलेंस टूल को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहला क्लिक करना है आपको ब्लैक पॉइंट पे। देखिए जैसे ही मैं ब्लैक पे करता हूँ तो ब्लैक ब्लैक हो गया, लेकिन उसकी वजह से सारे तरफ दूसरे कलर आ गए। अब दूसरा नियम क्या है, ब्लैक के बाद तुरंत व्हाइट को क्लिक करें। तो व्हाइट में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो इतने एरिया में, इतने पूरे एरिया में जो सबसे ब्राइट होगा, पूरा व्हाइट ना हो के व्हाइट से थोड़ा कम वाला। तो ये है आपका कलर, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। देखिए ये हो गया आपका, अब व्हाइट पे क्लिक, व्हाइट पे क्लिक हो गया। अब लास्ट में आपको ग्रे पे क्लिक करना है। तो देखिए ग्रे के जो है यहाँ पे मिड टोन के ये बहुत सारे आ रहे हैं, इसमें से किसी एक के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। व्हाइट पे क्लिक हो गया, ग्रे पे हो गया और ब्लैक पे भी क्लिक हो गया। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ दो काम करने हैं। ऑलवेज यहाँ से थोड़ा डिहेज आप बढ़ा दीजिए, लगभग 15% से 20%, उससे ज़्यादा नहीं। और थोड़ा जो है वाइब्रेंस 5 से 10% के बीच में वाइब्रेंस आप कम कर सकते हैं। बस इतना आपने काम किया और ये आपने ओके किया, आप देख सकते हैं आपका फोटो बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है। अगर आपको मैं बिफोर आफ्टर कंपेयर कराऊं तो आप देख सकते हैं आपका फोटो जो है ये आपका आफ्टर था, सॉरी ये आपका बिफोर है राइट साइड में जो है, और ये आपका आफ्टर है जो हमने किया। ओके, ये चीज आपको बहुत ही आसान है। अगर आप चाहें तो मैं फिर से एक बार दिखा दूं, इस बार मैं फोटो दूसरी यूज करता हूं। इस बार हम फोटो यूज करते हैं इस पे ये वाली। इस फोटो में भी अगर आप आए तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, आपको आना है सेलेक्ट फिल्टर पे, कैमरा रॉ फिल्टर, और कैमरा रॉ फिल्टर पे आपको जूम करना है पूरा। आंखों को आपने जूम किया, इसमें आपको ब्लैक और ग्रे तीनों पिक्सल मिल रहे हैं। यहाँ से लिया व्हाइट बैलेंस, पहला आपने काम किया ब्लैक पे क्लिक किया, दूसरा आपने काम किया व्हाइट पे क्लिक किया, तीसरा आपने देखिए इसमें बहुत सारे कलर्स आपको दिख रहे हैं। इस जगह पे आपको मिलेगा ग्रे पिक्सल, इसमें क्लिक किया तो देखिए ग्रे ग्रे बन गया। ये तीनों जैसे ही हुआ मैं यहाँ से कर देता हूँ पहला काम। थोड़ा सा आपको डिहेज बढ़ाना है जैसे मैंने बताया, और थोड़ा यहाँ से वाइब्रेंस आपको कम करना है, बस ये ओके। अभी देखिए पिक्चर इतना परफेक्ट हो गया। अगर मैं इसी की बात करूँ तो अब जो है आपको मैं इसको बिफोर आफ्टर यदि दिखाऊँ तो देखिए और ये आफ्टर, वो भी सिंगल क्लिक पे। तो फोटोशॉप पे अपडेट होने का फायदा यह है कि इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था कलर कास्ट वाला, वो भी आसान है। अगर आप अपडेट नहीं हो पाए तो उस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपडेटेड हैं, यदि आप सीसी फोटोशॉप सीसी 2014 से लेके 2019 तक का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें फिल्टर के अंदर ये कैमरा रॉ फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, और कैमरा रॉ फिल्टर के थ्रू आप व्हाइट बैलेंस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर वाइट बैलेंस कैसे करें, इस विषय पे बनाया गया मेरा ये एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी आपके काम पे हेल्प भी करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर हम आएंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको ये कैसा लगा आप मुझे शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, यदि आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। धन्यवाद।